आम आदमी पार्टी के ठिकाने हैं। देखिए, ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है। आरएसएस के बाद अगर बीजेपी की उसको मानती है तो ईडी को मानती है, या सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है ना। हमने बार बार भ्रष्टाचार के इतने एविडेंस दिए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम के बारे में तो प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजीत पवार का, ईडी पहुंच गई? नहीं पहुंच गई। अजीत पवार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। सर, चंडीगढ़ में इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है सर, उन्होंने कहा है कि संज्ञान लेने से क्या होता है? महाराष्ट्र में भी संज्ञान लिया था ना। डेमोक्रेसी का मर्डर तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ है। जिस तरह से संविधान की हत्या हुई, संविधान के 10th शेड्यूल की हत्या हुई, पैसों के बल पर और ईडी की ताकत पर लोगों को भगाया गया, एमएलए को खरीदा गया, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या थी। ईडी ने क्या किया? बस अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? जोर से एक बात की, बात विधानसभा के स्पीकर ने सुनी नहीं और गलत फैसला दिया और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को कायम किया है। अभी हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय आगे क्या करने जा रहा है।